दोस्तों एक और कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं तो दूसरी ओर राजस्थान के अंदर सियासी उबाल आ गया। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसे देखते हुए उनके खेमे के मंत्री और विधायक अब नई सरकार में रुतबा बनाए रखने का जुगाड़ ढूंढने लगे हैं। गहलोत के बाद राजस्थान की गद्दी सचिन पायलट के पास जाना भी लगभग तय हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे अशोक गहलोत ने कहा था कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही करेगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने 25 सितंबर यानी आज होने वाली राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव अजय माकन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी आलाकमान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उदयपुर घोषणा में अपनाए गए एक आदमी एक पद सिद्धांत का पालन किया जाएगा। ऐसे में पायलट की राजस्थान के अंदर कुर्सी पक्की मानी जा रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।